हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UK SSC की तरफ से संवाद नंबर 66 आया हुआ है और दिनांक आज का ये है 7/12/2020 का और पत्रांक संख्या इतना है। तो आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम कैलेंडर अब तक क्यों नहीं आई। तो दोस्तों, जो तीन परीक्षाएं पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में जो परीक्षाएं हमारी ऑनलाइन होने जा रही हैं उनका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। वो एग्ज़ाम अब कब से होंगे, अब मतलब उनके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। वो तैयारी करें, जो कर रहे होंगे वो तो निकल भी जाएंगे, अब जो शुरू करेंगे अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि जब तक डेट जारी नहीं होती तब तक लोग सीरियसली तैयारी नहीं करते। मतलब बहुत परसेंट कम, मतलब कि 70-80% लोग कह सकते हैं, बाकी जो 20% सीरियसली तैयारी करते हैं और निकलते सिर्फ कितना परसेंट आपको बताइए कि कितने लोग निकलते हैं और कितनी वैकेंसियाँ आती हैं। तो दोस्तों, ये आज का ही है प्रिय अभ्यर्थियों विषय। ये विषय है कि तीन ऑनलाइन परीक्षाओं हेतु शिफ्ट वाइज परीक्षा कार्यक्रम किए जाने के संबंध में। ऐसे ही दोस्तों, किसी दिन होगा कि कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम की डेट जारी कर दी जाए, फिर वो लोग जिन लोगों को अपना अभी सिलेबस ही पूरा नहीं किया है या और चीज़ बहुत सारी, जब फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था कि पहले तक किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर ज़्यादा समय नहीं मिला था, बहुत कम समय मिला था, फिर बहुत से लोगों के फिर चलो पेपर में खैर जो हुआ हुआ, पर लेकिन फिर ऐसा ही होगा जो लोग अभी से कर रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों, अभी उत्तराखंड पुलिस की विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है, ऐसे ही किसी दिन मतलब अचानक से विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। जैसे पहले तक चल रहा था कि BDO BPDO इन सब अलग अलग वैकेंसी आएंगी सभी, अब किसी ने नहीं सोचा था कि वो सब एक ही क्लब करके इस तरह से पेपर बनेगा, उसी में सबकी पोस्ट आ जाएंगी, तो इस किसी ने नहीं सोचा था। तो ऐसे ही किसी दिन भी कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो दोस्तों, तीन परीक्षाओं को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT, जैसे SSC का एग्ज़ाम होता है, यहाँ सेंटर तो यहाँ कुमाऊँ में है नहीं, यहाँ कुमाऊँ से हल्द्वानी जाना होता है और बाकी देहरादून हरिद्वार रुड़की यहाँ पेपर होते रहते हैं। बाकी तो जैसे ऑनलाइन SSC का एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती है, तो उसी तरह से होगा। तो CBT से कराए जाने विषयक आयोग के संवाद 59 दिनांक 12/11/2020 का संदर्भ लें। इन तीनों परीक्षाओं की तिथियां अब निर्धारित कर दी गई है। ऑनलाइन परीक्षाएं कंप्यूटर की उपलब्धता के अनुरूप एक से अधिक शिफ्ट में होंगी, इसलिए इन तीनों परीक्षाओं का निर्धारित कार्यक्रम निम्नानुसार है। दोस्तों, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का चल रहा है इस तरह से ही होगा, पर तीन परीक्षाएं ऑनलाइन। तो CBT 19/12/2020 से, यानी कि 19 दिसंबर से आपके एग्जाम है और 24 दिसंबर तक ये आपके चलेंगे, वो भी शिफ्ट वाइज हैं। सबसे पहले होगा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 पद कोड 132 वालों का, 19/12/2020 को प्रथम पाली 9:30 से 11:30 तक रखा गया है। उसके बाद होगा कनिष्ठ अभियंता सिविल का, ये होगा सेकंड शिफ्ट है, द्वितीय पाली है और 2 से 4 बजे तक है। वैसे SSC की ये जो और एग्जाम होते हैं तीन तीन पाली में होते हैं, पर उत्तराखंड में 2 ही पाली में हो रहा है। पदनाम कनिष्ठ अभियंता सिविल, दिनांक 20/12/2020। अब दोस्तों, जैसे BDO का फॉर्म है वहाँ तो लाख लाख 1 लाख से पार ही होंगे, अब कनिष्ठ सहायक का है इतना तो कराने में, इतने कम एग्जाम में इतने शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब 1 लाख एग्जाम देंगे तो अभी तो शायद फिर आने वाले टाइम पे हो सकता है, जैसे और एग्जाम सारे 10-10 15-15 दिन चलते हैं, जैसे SSC का होता है या जो SSC GD की भर्ती होती है, तो जैसे दिल्ली पुलिस का चल रहा है अभी तो इतने लंबा एग्जाम चलता है, तो वैसे ही आगे को भी उत्तराखंड में भी हो सकता है। अगला जो है कनिष्ठ अभियंता सिविल, दिनांक 20/12/2020 को प्रथम पाली है 9:30 से 11:30 तक, कनिष्ठ अभियंता सिविल अपराह्न मतलब द्वितीय पाली है 2 से 4। तो आप लोग अपना जिन जिन लोगों का जिस जिस पाली में पढ़ा है वो अपना देख सकते हैं। पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी 21/12 को प्रथम पाली में है और द्वितीय पाली में भी इनका 21/12 को ही है। पशुधन प्रसार अधिकारी फिर 22 को है, फिर 23 को है, फिर उसके बाद फिर 23 को है, फिर उसके बाद है 23/12 द्वितीय पाली में 23 को भी ये है। 3-4 दिन के भीतर ही प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो जैसे ही प्रवेश पत्र आएंगे मैं आपके बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। इसके साथ ही अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा देने में कोई कठिनाई न हो, इस दृष्टि से आयोग द्वारा एक प्रशिक्षण वीडियो, एक मॉक टेस्ट तथा ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। यह भी सामग्री दिनांक 11/12/2020 तक अभ्यर्थियों हेतु उपयोगिता जारी कर दी जाएगी, यानी कि 11 दिसंबर तक आपके लिए जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर ऑनलाइन परीक्षाओं का प्रशिक्षण ले सकते हैं। आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं पहली बार आरंभ की जा रही है, अतः कृपया इस प्रशिक्षण का सामग्री का अधिकतम उपयोग करें एवं प्रवेश पत्र में अपनी शिफ्ट व परीक्षा केंद्र को ढंग से जांच लें, क्योंकि यह परीक्षा विद्यालयों के बजाय पर इंजीनियरिंग संस्थाओं व कंप्यूटर केंद्रों पर होंगी। परीक्षा केंद्र को एक दिन पूर्व चेक करना उचित होगा। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए शुभकामनाओं के साथ। तो दोस्तों, ये आयोग सचिव संतोष बड़ौनी जी के यहाँ पर हस्ताक्षर है।
तो ये है। बाकी जिन जिन लोगों ने और एग्ज़ाम दे रखे हैं अभी तक, ऑनलाइन एग्ज़ाम कोई भी दिया हो, तो वो तो अनुभवी हैं। बाकी जो लोग नए हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत कम ही लोग देते हैं SSC या फिर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उत्तराखंड से, यहाँ से कई कुमाऊँ से, तो बहुत कम ही लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। और बाकी गढ़वाल से भी ऐसा ही है, फिर भी देते हैं लोग, पर जो लोग नए हैं पर उनको अब सीखना होगा, ऑनलाइन की तरफ बढ़ना होगा। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों, जैसे एडमिट कार्ड आएंगे आपको मैं बता दूंगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।